तो वी आर डूइंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड हम लोगों ने फील्ड वाला पोर्शन खत्म कर लिया है एंड नाउ वी आर अप टू द पोटेंशियल पार्ट ऑफ इट। तो कल मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा था, वर्क डन। इसको बिल्कुल अच्छे से समझ जाओ, क्योंकि आंसर जो आएगा एग्जाम में या तो +5 जूल आएगा या -5 जूल आएगा। तुम्हें यही समझना है, तुम्हारा 5 तो आ जाएगा, उसमें तुम्हें को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तुम्हारा कंफ्यूजन हमेशा इसमें रहेगा कि आंसर प्लस होगा या माइनस होगा। ओके, तो इसको समझो कि क्या चीज है ये। सपोज ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है। ओके, और अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो Q2 चार्ज जो है वो तो उस पे तो जो Q1 के जैसे फोर्स लगेगा वो तो इस डायरेक्शन में लगेगा। इसको लिखते जाओ, मैं जो बोल रहा हूं, Q1 एंड Q2 हैव सेम चार्ज, हैव सेम चार्ज। ओके, अगर उन पे सेम चार्ज है तो इसका क्या मतलब है, देर इज रिपल्शन, देर इज रिपल्शन। अब अगर ये इनिशियल डिस्टेंस R2 है, अगर ये इनिशियल डिस्टेंस R2 है और फिर अगर अपन Q2 को यहां पे ले आए और फाइनल डिस्टेंस R1 है, राइट फाइनल डिस्टेंस क्या है Q2 और Q1 के बीच में, R1 हो जाता है। अब बिकॉज Q1 तो Q2 को रिपेल कर रहा है, तो Q2 कभी भी Q1 के पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से आएगा ही नहीं। व्हाट डज दिस मीन, अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रिपल्शन है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रिपल्शन है और हम अगर उतना ही फोर्स F इस डायरेक्शन में लगा ले जिसको अपन बोल देते एक्सटर्नल फोर्स, और धीरे धीरे इस F एक्सटर्नल को हल्का हल्का सा बढ़ाते जाए तो Q2 Q1 के पास आएगा, राइट। तो जो वर्क डन बाय द इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स है, जो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड है, वर्क डन बाय द फील्ड, वो क्या होता है, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वो जाएगा माइनस ऑफ फाइनल पोटेंशियल, क्या है के लिख लेता हूं, 1/4 pi/0 की जगह फटाफट हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस के Q1 Q2 अपॉन R1। तुम देख लो कि ये जो टर्म आएगी ना, माइनस के Q1 Q2 R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2, बिकॉज R1 इज ग्रेटर देन, एक मिनट मैंने इनिशियल गलत ले लिया है, इनिशियल R1 लो, फाइनल R2 लो ताकि अच्छा लेता है। इनिशियल R1 ले लो और फाइनल R2 ले लो। तो बिकॉज R1 इज ग्रेटर देन R2, तुम लोग सीधा सीधा देख सकते हो कि यहाँ पे जो माइनस साइन है तो ये टोटल क्वांटिटी जो है ना नेगेटिव है, ये टोटल क्वांटिटी जो है नेगेटिव है, टोटल क्वांटिटी। तो यहाँ पे जो वर्क डन आएगा वो 100% नेगेटिव होगा, यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का जो वर्क डन है वो नेगेटिव है, और होना भी चाहिए क्योंकि फील्ड का जो फोर्स है वो तो टूवर्ड्स राइट है और अपना डिस्प्लेसमेंट टूवर्ड्स लेफ्ट है। तो अपने को मालूम है इन दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री है, तो वर्क डन को नेगेटिव आना ही चाहिए था। और अपने को ये भी मालूम है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स जो है उसकी वजह से तो Q2 इधर पास में आ ही नहीं सकता है। ओके, तो इसका मतलब ये पास में क्यों आएगा, इसका मतलब ये पास में सिर्फ इसीलिए आएगा कि हमारा फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो अब अगर अपन अपना फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो अपन लगा रहे उसका वर्क डन निकाल ले, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा, अगर अपन ये बोल देते हैं कि डेल्टा के जीरो है, चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो है, तो वर्क डन कितना होता है बाय द एक्सटर्नल फोर्स, डेल्टा यू प्लस डेल्टा के। अगर डेल्टा के जीरो है तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा, डेल्टा यू। तो डेल्टा यू क्या है,
क्यू वन क्यू टू वन अपॉन आर टू माइनस वन अपॉन। यहां पे देखो ये भी एग्जैक्टली वही वर्क है, डिफरेंस क्या है, यहां पे नेगेटिव साइन है और यहां पे पॉजिटिव साइन। तो फील्ड का वर्क डन नेगेटिव आ रहा है और अपना वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है, आया समझ में? तो सवाल क्या आ रहा है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं जिसमें अगर वैल्यूज दे रखी है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फील्ड व्हेन द चार्ज मूव्स फ्रॉम पोजिशन आर वन टू आर टू, तो ये आंसर आएगा। ओके, अगर सवाल ये आ जाए व्हाट इज द वर्क डन बाय द फील्ड, यहां पे क्लियरली लिखा होगा सवाल में वर्क डन बाय द फील्ड, क्लियरली लिखा होगा ये फील्ड वर्क मेंशन्ड होगा। और यहां पे क्या लिखा होगा, व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम आर वन टू आर टू। यहां पे क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि वर्क डन बाय द फील्ड, व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम आर वन टू आर टू। और तुम्हें मालूम है कि ये वर्क डन जो है ना, ये अपन एक्सटर्नल फोर्स कर रहा है अभी, इसीलिए एक्सटर्नल फोर्स का वर्क पूछा जा रहा है और वो पॉजिटिव हो। ये एक एक सिंपल सिनेरियो मैंने तुम्हारे को समझाया है, ठीक है? तो इस केस में क्या हो रहा है, वर्क डन बाय द फील्ड तो नेगेटिव है और वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स पॉजिटिव है। अगर सवाल ये पूछ रहा है व्हाट इज द वर्क डन बाय द फील्ड, तो आंसर नेगेटिव आना चाहिए। और अगर सवाल ये पूछ रहा है व्हाट इज द वर्क डन बाय द, व्हाट इज द वर्क डन, अगर सिर्फ वर्क डन पूछ रहा है तो इसका मतलब वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स होगा। इज दिस क्लियर? यस yes. उतार लिया ये सबने? एक मिनट डन। बाकी सब ने उतार लिया? यस यस सर। अब दूसरा एग्जांपल ले लो, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। यही चार्ज क्यू वन है और क्यू टू है, ओके? इस बार क्या करते हैं, चार्ज आर ऑफ अपोजिट साइड। तो इसका क्या मतलब है, क्यू वन पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, क्यू वन पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। इस बार अट्रैक्ट हो रहा है ना, तो वर्क डन तो वही है, वर्क डन इज माइनस ऑफ के क्यू वन क्यू टू माइनस ऑफ के क्यू वन क्यू टू वन अपॉन आर टू माइनस वन अपॉन आर वन, विच इज इक्वल टू माइनस के क्यू वन क्यू टू आर वन माइनस आर टू अपॉन आर वन प्लस आर वन आर टू। देखो अभी भी आर वन ग्रेटर देन आर टू है, तो ये टर्म तो पॉजिटिव ही है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, लेकिन क्यू वन क्यू टू क्या है, ये अपोजिट साइन क्या है, तो इसका साइन भी नेगेटिव होगा। तो ओवरऑल वर्क डन क्या आ जाएगा, ओवरऑल वर्क डन पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस समय जो फील्ड का वर्क डन है वो कितना हो रहा है, इस समय वर्क डन बाय फील्ड, वर्क डन बाय फील्ड इज पॉजिटिव है ना, इस समय वर्क डन बाय फील्ड इज पॉजिटिव। और अगर अपन इस सिस्टम को ऐसे ही छोड़ देना, तो तुम ध्यान रख लो ये चार्ज अट्रैक्ट हो रहा है, तो इस पे तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, तो जब ये चार्ज यहाँ पे पहुंचेगा ना, तो इसके पास तो काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी है ना, इसके पास तो काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी। लेकिन वर्क डन बाय द इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स हम खाली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, सो वी आर ओनली सेइंग दैट द वर्क डन बाय द इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के बारे में अभी बात नहीं कर रहे। इज दिस क्लियर?
तो यहाँ पे वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था वो ओवरऑल मैग्नीट्यूड में जब Q1 Q2 की वैल्यू पुट करोगे फाइनली नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ओवरऑल जब मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो पॉजिटिव आ रहा है फील्ड का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है दोनों चार्ज में अट्रैक्शन है, और अपन ने जिस हिसाब से डिस्प्लेसमेंट करवाया है वर्क डन को पॉजिटिव होना पड़ेगा, और पिछले वाले में रिपल्शन था और जिस हिसाब से अपन ने डिस्प्लेसमेंट करवाया था वर्क डन को नेगेटिव होना पड़ेगा, राइट? क्लियर है आदि? यस ये ध्यान रख लेना, एक साइन कन्वेंशन पॉजिटिव नेगेटिव साइन का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन दोनों में सेम चलेगा तुम्हारे लिए, है ना? ये प्लस माइनस साइन का जो कंफ्यूजन है एग्जैक्टली सेम होता है दोनों दोनों में, और थर्मोडायनेमिक्स में भी आता है, वर्क डन इन एक्सपांशन एंड वर्क डन इन कंप्रेशन। ओके, वर्क डन इन एक्सपांशन इज पॉजिटिव, वर्क डन इन कंप्रेशन इज नेगेटिव बाय द सिस्टम, सिस्टम की बात करें तो। और एक्सटर्नल एजेंट वापस वहां पे भी वही आता है कि अगर अपन वर्क कर रहे हैं तो फिर अपना वर्क अलग होता है और सिस्टम का वर्क अलग होता है, सो रिमेम्बर दिस। ओके, और थर्मोडाइनेमिक्स में वर्क डन में केमिस्ट्री का साइन कन्वेंशन फिजिक्स के साइन कन्वेंशन से उल्टा चलता है, वो भी ध्यान रख लेना। ओके, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, अब यही सवाल यहाँ पे कर ले वापिस से, ये Q1 और ये Q2, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इसको इस डायरेक्शन में लगा रहा है, ठीक है? अब अपना जो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इस बार इस डायरेक्शन में लगा रहा है, हालांकि ऐसा अपन कभी करेंगे नहीं बट सपोज कर रहे हैं, सवाल में तो कुछ भी लिखा जा सकता है थ्योरेटिकली। अब इस बार क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स इक्वल है जैसे पिछली बार भी था, और अपन इसको धीरे धीरे कम करते जाते हैं, तो Q2 धीरे धीरे Q1 की तरफ जा रहा है और यहां पे पहुंच गया वापस से। तो इस बार जो है इसका जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। इस बात ध्यान रख लो, इलेक्ट्रो एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये एंगल 180 डिग्री, तो माइनस साइन आना चाहिए। तुम देख लो R1 इज ग्रेटर देन R2, ये टर्म तो पॉजिटिव ही है, लेकिन Q1 Q2 में इससे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता, अफेक्टिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो ओवरऑल वर्क डन क्या हो गया, ओवरऑल वर्क डन इज नेगेटिव विच इज बाय एक्सटर्नल फोर्स। यहां पे अगर मैंने वो यूज किया वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू एंड डेल्टा के जीरो, अगर डेल्टा के कुछ है तो फिर वो डेल्टा के भी इसमें ऐड हो जाएगा, याद रख लेना, फिर तो वो डेल्टा के भी इसमें ऐड हो जाएगा। सो बेसिकली जब क्वेश्चन में काइनेटिक का चेंज मेंशन नहीं है, ओके ये उतार लो पहले, तो फिर मैं लास्ट में एक एक स्लाइड में इसको समराइज कर लेता हूं। उतार लिया? यस यस। तो अपन सीधा सीधा लिख लेते हैं,
वर्क डन बाय द फील्ड, वर्क डन बाय द फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू, बिना कुछ सोचे समझे। ओके अब इसमें पॉजिटिव साइन आया या नेगेटिव साइन आया कुछ फर्क नहीं पड़ता। सवाल क्या पूछेगा, सवाल पूछेगा व्हाट इज द वर्क डन बाय द फील्ड, एक्सप्लिसिटली सवाल में फील्ड वर्ड मेंशन होगा, ठीक है। एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा के, ओके। तो लिखा है व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग चार्ज, इन मूविंग चार्ज फ्रॉम आर वन टू आर टू। तो यहां पे क्या लिखा है, नथिंग इज मेंशन, नथिंग इज मेंशन इंप्लाइज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। अब एक और चीज है, बिकॉज नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट काइनेटिक एनर्जी, सो अज्यूम डेल्टा के इज इक्वल जीरो। तो अपने पास क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, अपने पास आ जाएगा वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा ई, ठीक है। बहुत ध्यान से डेल्टा के बारे में ध्यान रख लेना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बारे में, क्लियर है यहां पे। चले आगे, सो दिस फिनिशेज आवर क्या बोलते हैं, वर्क डन कॉन्सेप्ट। सो यहां पे क्या लिखा, व्हाट इज द वर्क डन इन टेकिंग अल्फा पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी, व्हाट इज द वर्क डन इन टेकिंग अल्फा पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, कौन ले जा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, फील्ड मेंशन ही नहीं है वर्ड, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स आ गया, ये सवाल सीधा सीधा आ गया, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। व्हाट इज द वर्क डन इन टेकिंग, मतलब अपन लेके जा रहे हैं, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, डेल्टा यू, ओके। अब यू कितना होता है, यू इज इक्वल टू क्यू इन टू वी, इंफिनिटी पे यू इनिशियल इज इक्वल टू क्यू इन टू वी इनिशियल विच इज जीरो, और यहां पे अपने को वी कितना दे रखा है, वी फाइनल अपने को दे रखा है, V फाइनल दे रखा है प्लस 10 वोल्ट, ये हो गया प्लस 10 वोल्ट। तो U फाइनल कितना हो गया, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज कितना होता है, हीलियम 2 प्लस होता है ना, तो U फाइनल इज 2E इंटू वी। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, U final minus U initial which is 2 into, या तो अगर E को E रहने दो तो ये तो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस जीरो, यानी कि 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, और अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो जूल में कन्वर्ट कर दो, 2 into 1.6 into 10 so minus 19 into 10 is क्या हो गया 32 into 10 so minus 19 joules। So, दोनों टर्म में लिख सकते हो, वो तो चॉइस पे डिपेंड करता है कि आंसर क्या पूछ रहा है।
ये आ गया तुम्हारा आंसर, आ गया समझ में? क्वेश्चन में क्लियरली बोल रहा है ना, व्हाट इज द वर्क डन इन टेकिंग, फील्ड वर्क मेंशन ही नहीं है, सो वर्क डन आएगा डेल्टा यू, और डेल्टा के इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मेंशन है कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना है। और ध्यान रखो यहाँ पे ये भी देख लो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, सो इट्स गोइंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल एनर्जी टू हायर पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल था, ध्यान रखो अगर पेन यहाँ से ऊपर ले जाना है, अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करनी है तो एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा, अपने आप नहीं जा सकता है। और अगर तुम पेन को ऊपर से नीचे छोड़ रहे हो, दैट इट इज मूविंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी, तो फील्ड अपने आप ले जाएगा, हमें एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये भी तुम्हें समझना होगा कि किस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी, ऑब्जेक्ट ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे भी एक बात वापस से बता दूं मैं तुम्हारे को, पार्टिकल्स में चार्ज भी आ गया और मास भी आ गया, दोनों आ गया, ठीक है, ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी, ओके, सो इट विल ऑलवेज मूव फ्रॉम +10 टू +5, इट विल नेवर गो फ्रॉम +5 टू +10, अपने आप कभी भी नहीं जाएगा, वी हैव टू टेक इट, है ना, अगर ऐसे जाना है तो वी हैव टू टेक इट बाय एक्सटर्नल फोर्स, वी हैव टू टेक बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो जो है ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना, पॉजिटिव चार्ज और मास दोनों चीज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, और हायर पोटेंशियल जैसे नेगेटिव लोअर पोटेंशियल, बट नेगेटिव चार्ज जो होता है, नेगेटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक्चुअली मूवमेंट कहां से कहां की तरफ होता है? हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ होता है। तो अगर इसका जैसे यहां पे पोटेंशियल है -5 वोल्ट और यहां पे पोटेंशियल है -10 वोल्ट, और अगर अपन यहां पे एक इलेक्ट्रॉन को रखते हैं, इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? -E × -5, यहां पे हो जाएगी 5E, और यहां पे कितनी हो जाएगी? -E × -10, तो यहां पे हो जाएगी 10E। तो इट हैज टू मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी, हायर पोटेंशियल एनर्जी से इसको लोअर पोटेंशियल एनर्जी तक जाना है। यहाँ पे मेरा ई जो है ना खाली मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे माइनस साइन मैंने अलग से लगा दिया ना, -E कर दिया, तो कहां से कहां जा रहा है? +10E से +5E की तरफ जा रहा है, इसका मतलब -10 वोल्ट से -5 वोल्ट की तरफ जा रहा है, सो इट इज मूविंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ओके, याद रख लो इसको भी अच्छे से याद रख लो, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है ना कंफ्यूजिंग मल्टीपल आंसर चॉइस में आराम से आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, और आता ही है घुमा फिरा के, कहीं ना कहीं से तो आते ही है कॉन्सेप्ट के साथ। क्लियर है ये सब?
उतारना बचा है किसी को? हाँ गया सर। चले आगे। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू फोर चार्जेस प्लेस्ड एट द फोर कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर। द डिस्टेंस ऑफ ईच चार्ज फ्रॉम ओ इज आर इज 2 सेंटीमीटर। यहां पे हमारे को क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। एंड रिमेंबर पोटेंशियल क्या होता है? इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अपने को कुछ नहीं करना है, सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन करना है। अपने को कुछ नहीं करना है, सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन करना। और यहाँ पे तो अपने को डिस्टेंस भी सीधा सीधा आर दे रखा है, अपने को स्क्वायर की साइड नहीं दे रखी कि आर भी निकालना है। तो सिंपल सम ऑफ पोटेंशियल करना है अपने। पोटेंशियल क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल क्या होता है? के क्यू बाय आर। तो क्या हो जाएगा? के क्यू वन बाय आर, सब डिस्टेंस इक्वल है, प्लस के क्यू टू बाय आर चारों बार। सो के बाय आर को कॉमन निकाल दो, क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री प्लस क्यू फोर कर लो। अब क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर क्या दे रखे हैं? +3 +2 -4 +8। सो +3 +2 -4 +8 यही दे रखे ना। बस ये क्या हो गया? 3 + 2 5 + 4 9। सो 9 Q 9 K/R। सो 9 × K की होती है 9 × 10^9 अपॉन आर दे रखा है 2 सेंटीमीटर। इतना वोल्ट आ गया सीधा सीधा। माइक्रो कूलम दे रखा है क्या? हाँ माइक्रो कूलम दे रखा है। तो यहाँ पे 10^-6 भी ले लो तो यहाँ पे -6 भी आ जाएगा, तो आ जाएगा 81/2 × 10^5 5 वोल्ट्स। क्लियर है? हाँ कोई डाउट नहीं है इसमें तुम लोगों को? नेक्स्ट, द फोर चार्जेस ऑफ क्यू आर ईच प्लेस द कॉर्नर ऑफ अ साइड स्क्वायर ऑफ साइड ए। फाइंड द पोटेंशियल ऑफ वन ऑफ द चार्जेस। चारों चार्ज क्यू है ना, क्यू 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 क्यू। तो अगर इसको चार्ज वन बोलो, इसको चार्ज टू बोलो, इसको चार्ज थ्री बोलो, इसको चार्ज फोर बोलो, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो इसकी वन के वजह से, थ्री की वजह से और टू की वजह से हो जाएगी है ना। तो वन की वजह से क्या हो जाएगी? के क्यू स्क्वायर बाय आर। थ्री की वजह से भी हो जाएगी के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि ये भी आर है और ये भी आर है, और ये डिस्टेंस कितना है? √2 r है। तो 2 की वजह से हो जाएगी के क्यू स्क्वायर अपॉन √2 r, दैट्स ऑल। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर कॉमन आ जाएगा, 1 + 1 + 1/√2। ये हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन ऑफ द चार्जेस बिकॉज ऑफ द अदर चार्जेस। क्लियर है यहां पे? यस अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, उसको भी समझो।
हमने पोटेंशियल इज ऑलवेज सिस्टम का डिफाइन किया, किसी चार्ज का पोटेंशियल डिफाइन नहीं करते हम लोग, है ना। तो यहाँ पे तो सिस्टम में कितने चार्ज है, चार चार्ज है, तो पोटेंशियल सिस्टम क्या होना चाहिए, क्यू वन क्यू टू क्यू वन क्यू थ्री क्यू वन क्यू फोर क्यू टू क्यू थ्री क्यू टू क्यू फोर और क्यू थ्री क्यू फोर, ये टोटल पोटेंशियल सिस्टम की होती है ना। तो पोटेंशियल ऑलवेज ऑफ द सिस्टम, अगर एक खाली एक पार्टिकल की बात करो तो कभी पोटेंशियल होती नहीं है। अपन क्या बोलते हैं, क्यू वन और क्यू टू अगर आर डिस्टेंस पे है तो पोटेंशियल क्या है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, ठीक है। अगर अपन इस क्यू वन को हाइड कर दे, अगर अपन इस क्यू वन को हाइड कर दे और खाली क्यू टू यहां पे रखे और अपन पूछे व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू टू, इसका क्या मतलब है कि ये टर्म अपन से हाइड हो गई, ये क्यू वन अपन से हाइड हो गया, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी अभी भी कितनी है, के क्यू वन बाय आर इंटू क्यू टू, अभी पोटेंशियल एनर्जी यही है। हम क्या बोल रहे हैं, अगर क्यू वन को हाइड कर दिया तो अपन बोलते हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो वी है, इस पॉइंट का पोटेंशियल वी है। अब ये वी किसकी वजह से है, ये वी क्यू वन की वजह से है या क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री की वजह से, यू डोंट नो, तुम्हें खाली ये मालूम है इस पॉइंट का पोटेंशियल वी है, तो एक सिस्टम का पार्ट हो रहा है जो पोटेंशियल वी को प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसकी पोटेंशियल ये कितनी है, वी इंटू क्यू टू। तो हमने भी यहाँ पे यही किया है। अभी जैसे इस रूम में बहुत सारे चार्जेस है, हमारे को मालूम ही नहीं क्या है, तो हमारे को मालूम है इस पॉइंट का पोटेंशियल, ये जो पॉइंट है जहां पे चार्ज फोर रखा हुआ है, इसका पोटेंशियल वी है जो कि बाकी सब चार्जेस की वजह से, तो जब इस चार्ज को यहाँ पे रखेंगे तो इस चार्ज की जो पोटेंशियल हो जाएगी वो क्यू इंटू वी हो जाएगी। मतलब अपन ये कह रहे हैं कि बाकी सारे जितने भी सिस्टम में चार्जेस है वो यहाँ पे पोटेंशियल वी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अगर किसी चार्ज क्यू को यहाँ पे रखेंगे तो इसके पास इतनी एनर्जी आ जाएगी कि ये इतना काम करने के लिए कैपेबल हो जाएगा। और वो एनर्जी किसकी वजह से आ रही है, वो उसके एनर्जी एनर्जी खाली उसके खुद की वजह से नहीं है, बाकी चार्जेस उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके, तो अगर अपन बोलते हैं कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, मान लो इन चारों की पोटेंशियल मान लो 10 जूल है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हर एक चार्ज के पास कुछ ना कुछ एनर्जी है काम करने के लिए, किसी के पास दो होगी, किसी के पास दो होगी, किसी के पास दो होगी, किसी के पास चार होगी, या चारों के पास हो सकता है इक्वल हो, 2.5 इसके पास हो, 2.5 इसके पास हो, 2.5 इसके पास हो और 2.5 इसके पास हो, तो सिस्टम की टोटल पोटेंशियल कितनी है, 10 जूल, इसमें से 2.5 पोटेंशियल ये इस चार्ज के पास रखी हुई है, इसका ये मतलब हो गया। आ गया समझ में, ठीक है, मैं क्लास को यहीं पे ओवर करूंगा।